बीसीसीआई में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बोर्ड को लोढ़ा समिति की सिफारिशें माननी ही पड़ेगी, वरना कोर्ट अपने तरीके से सिफारिशें लागू करवाएगा। इसके लिए कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा है कि वो सिफारिशें मानने का समय बताए। कोर्ट ने बीसीसीआई को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसा कोई मैच ना करवाए जिसमें पारदर्शिता ना हो। कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई ने जिन्हें पैसा दिया है उनसे पैसा वापस ले। कोर्ट ने बोर्ड को साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा वक्त बर्बाद ना करे और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को माने। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। माना जा रहा है कि कल तक इस मामले पर फैसला आ सकता है। इससे पहले कोर्ट ने आज अनुराग ठाकुर को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा क्या अनुराग ठाकुर क्रिकेटर हैं। वहीं कोर्ट ने अदालत मित्र गोपाल सुब्रमण्यम को नए प्रशासक ढूंढने को कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट का मानना है अगर अधिकारी हटाए जाएं तो विकल्प होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई को कथनी से नहीं बल्कि करनी से कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि बीसीसीआई को बड़े भुगतान से पहले इजाजत लेनी होगी। इसे कोर्ट का बड़ा फैसला माना जा रहा है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि राज्य संघों को पैसा देने में पारदर्शिता होनी चाहिए और इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। आप एक रात में सीधे 400 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते। कोर्ट ने फंड ट्रांसफर के लिए लोढ़ा समिति की इजाजत लेने के लिए कहा है। तो बीसीसीआई में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीसीसीआई हर फैसले में पारदर्शिता लाए और लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू करे। अब बीसीसीआई क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।